भाई देख सकते हैं यही पेड़ था। तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम फिर आ चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और थंबनेल देख के तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम क्या दिखाएंगे। तो आज वीडियो में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो आपको पहले पहुँचे। आज हम दिखाने वाले हैं आपको एक बरगद का पेड़, जहाँ लोगों का मानना है कि वहाँ भूत रहता है। हाँ गाइस, आप बिल्कुल सही सुने, लोगों का मानना है कि वहाँ 6 बजे के बाद कोई आता जाता नहीं है, यानी शाम 6 बजे शाम के बाद, क्योंकि इधर गांव बहुत दूर में है, यहाँ पास में गांव नहीं है गाइस। तो गाइस आज हम दिखाएंगे आपको कि वो पेड़ कैसा है और कहाँ है, ये भी बताएंगे आपको, और कितने दूर में है, और एक जंगल में है, और बहुत ऐसे चीज़ दिखाएँगे आपको, डर लगेगा। लेकिन गाइस ये पार्ट 1 वीडियो है गाइस, आपको फिर आएगा मेरा, यहाँ बोलते हैं कि रात में नहीं आना है और कोई नहीं आता है, तो हम यहाँ रात में भी आएंगे और आपको वो भी वीडियो दिखाएंगे, पर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस हम लोग जब आए यहाँ वीडियो बनाने, तो हम लोग बनाते बनाते यहाँ मिला है हम लोग को एक सांप, जहाँ जिस पेड़ का हम लोग वीडियो ले रहे थे उसी पेड़ में अचानक से एक सांप आ गया, तो हम लोग बहुत डर गए गाइस कि ये कहाँ से आया अचानक से, मतलब पीछे की तरफ से आ रहा था धीरे धीरे, पर ये सांप कौन सांप है मुझे उतना नॉलेज नहीं है, कि आइडिया नहीं है कि कौन सांप है कि नहीं, ये सब कमेंट में आप ही लोग को लिखना होगा कि कौन सांप है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको वो सांप, और हम लोग उससे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, कोई भी किसी तरह से हम लोग उसे आराम से, जंगल इतना बड़ा है, हम लोग कहीं भी आज़ाद कर देंगे। तो गाइस बने रहें वीडियो में एंड तक, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि ये बरगद का पेड़ कितना बड़ा है, तो देखिए गाइस यहाँ बहुत ही दूर में गांव है, यहाँ से बहुत ही दूर ये पूरा जंगल है गाइस, आप इधर देख चुके, पूरा जंगल है, और ये जंगल में एक ऐसा बरगद का पेड़ है। हाँ गाइस, तो ये बरगद का पेड़, अभी तो दिन है इसलिए यहाँ आ चुके हैं और कुछ नहीं हो रहा, डर भी नहीं लग रहा है। तो गाइस 6 बजे के शाम के बाद यहाँ कोई नहीं आता है, और बोलते हैं यहाँ दावा करते हैं कि यहाँ बहुत ही चीज़ देखने के दावे हैं, और बहुत बहुत लोग यहाँ से डरे हैं, और आपको बता दें कि यहाँ 2 लोगों की मौत भी हुई है। हाँ, 2 लोगों की मौत हुई है, और हम लोग तब नहीं थे, पता नहीं बहुत पहले की बात है, हम लोग के बुज़ुर्ग सब बोलते हैं। तो आपको यही वीडियो हम दिखाएंगे रात में, ठीक है, अभी आपको बस ये पार्ट 1 दे रहे हैं, पार्ट 2 रात में हम बनाएंगे, और अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दीजिएगा गाइस, ठीक है गाइस। आप देख चुके कितना बड़ा है आखिर ये बरगद का पेड़, और आप तो समझ चुके होंगे कि बरगद के पेड़ में बहुत लोगों का मानना है कि भूत वगैरह ये तो होते हैं, तो मुझे जब तक मैं देखूँगा नहीं तो मुझे भी यकीन नहीं होगा। तो आज हम लोग रात में यहाँ आने वाले हैं, और बिल्कुल हम लोग 3-4 जन रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे, और सिर्फ हमारे पास
दो फोन रहेगा और एक टॉर्च रहेगा, और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है यहाँ, तो अब देखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो गाइस देख सकते हैं, सांप जो हम बोले थे वो सांप यही है। तो पता नहीं गाइस कौन सा सांप है, पर बहुत ही मोटा है, देख सकते हैं आप कैमरा में, और ये बहुत छोटा है पर है थोड़ा। तो आपको हम हर साइड से इसको दिखाते हैं। भाई देख सकते हैं यही पेड़ था, अभी दिखा रहे थे आपको, यही पेड़ था, और ये देखिए यही सांप है। कितना खतरनाक है, ये जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है। और ये कौन सांप है आप देख के बता सकते हैं, देख सकते हैं इसका पेट है जो बहुत मोटा दिख रहा है, तो शायद लगता है ये कुछ निगल गया है, और ये बहुत ही सुस्त है, ये चल फिर नहीं पा रहा है, एक जगह है देख सकते हैं, बस सांस ले रहा है, और इसका सर जो है वो नीचे की तरफ है। हम इसे आज़ाद करेंगे तो आपको भी दिखाएंगे वीडियो में कि हम कहाँ इसको छोड़ेंगे, कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, सांपों का मारना ठीक बात नहीं है। लोग को अब हम अच्छा से दिखाएंगे इसको कि ये कितना लंबा है, बाहर निकालेंगे इसको, देखते हैं निकलता है कि नहीं। चलो ठीक है, आपको दिखा रहे हैं, हम लोग इसके नीचे ले आए हैं, आप लोग देख सकते हैं इसे हम नीचे ले आए हैं, वहाँ से यहाँ ले आए हैं। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि कौन सा सांप तक लग रहा है, अभी तक नुकसान कुछ नहीं किया हम लोग का, पर देख सकते हैं ये सांप है, पूरा तरह से जिंदा है, देख सकते हैं इसे डंडे से हम कुछ छेड़ रहे हैं फिर भी ये कुछ नहीं कर पा रहा है, देख लीजिए। तो अब हम इसे आजाद करेंगे, देख सकते हैं हम लोग जंगल में आ चुके हैं, इतना बड़ा जंगल है, और हम लोग सांप को यहाँ तक ला चुके हैं, अब दिखाएंगे आपको। सांप है जो पूरा, इसको आराम मिल गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, कुछ भी कर सकता है, इससे थोड़ा दूरी बना के ही जाएं। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि हम सांप को यहाँ तक ले आए हैं, तो एक पत्थर जो है, बहुत सारे पत्थर वहीं रख दिए हैं, क्योंकि सांप बहुत सुस्त में है अभी, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये जब अब अपना अच्छा महसूस लगेगा तो खुद ब खुद कहीं भी चला जाएगा। आज अब हम लोग अपने अपने घर जाएंगे, ये भी अपना घर जाएगा, और बहुत ही आराम से रहेगा। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।